तो इस कॉफी मेकर का रिव्यू मैं कर रहा हूँ एक महीने के बाद। एक महीने पहले मैंने इसको परचेज किया था। मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे चैनल पर जब भी मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा तो मैं उसको पहले यूज करूंगा एक महीने तक के, उसके बाद मैं उसका रिव्यू दूंगा। जैसे कि आपने, आप भी अगर इसको लेने का सोच रहे हो, आपने अमेजोन पे इसका देखा होगा रिव्यू वगैरह, और ये दिखने में बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, क्योंकि प्राइस इसकी 3,000 रुपये, 3200 रुपये, और आपको सेम ऐसे ही दूसरे कॉफी मेकर, दूसरे कंपनी के लाइक मॉर्फी या फिर बजाज दूसरी कंपनी के, आपको 1500 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन उनमें वो फील नहीं दिख रहा है जितना जो कि ये फिलिप्स वाले कॉफ़ी मेकर में दिख रहा है। तो दिखने में भी प्रीमियम लुक है। अगर आप मेरी तरह कॉफ़ी लवर है तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि यार अब हम, ये एक तरह की वॉन्ट्स है ना, ये मतलब ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कॉफ़ी से भी काम चला सकते हो, 200 रुपये का आप जो साउथ इंडियन कॉफ़ी मेकर आता है उससे भी काम चला सकते हो, लेकिन आप कुछ प्रीमियम चाहते हैं तो आप ये लेने का सोच रहे हो। तो एक महीना मैंने यूज़ किया है और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसका। एक्चुअल में पहले मेरे को यूज़ करना नहीं आया, मैं बताता हूँ कि पहले मेरे को ना कॉफ़ी सही नहीं बन रही थी। वो क्यों नहीं बन रही थी उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका जो रहता है, तो ये मेन रहता है बोरोसिलिकेट का है ये, तो इसको आपको केयरफुली हैंडल करना है। इसमें आपको कॉफ़ी जमा होगा, यहाँ से आप इसको ऐसे रख देते हो तो यहाँ से नीचे इसके अंदर से कॉफ़ी नीचे जमा होगा। ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन के इसके अंदर कॉफ़ी रहेगी आपकी, यहाँ पर आप कॉफ़ी डालोगे और ये काफ़ी अच्छे से डिटैच हो जाता है और काफ़ी अच्छे से ऐसे लग जाता है। उसका जो प्लास्टिक मैं बताऊँ तो ये भी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक है। ऐसा लगता है कि यार ये कुछ तो भी अच्छी चीज़ दिख रही है, मतलब कोई भी आएगा आपको तो पूछेगा क्या चीज़ है बोल के, तो मतलब अच्छा लग रहा है। बाकी दूसरे मैंने देखा ब्रांड के तो उनका प्लास्टिक हल्का लगता है और दिखने में ऐसे लगता है कि सस्ता है बोल के, तो ये दिखने में महंगा लगता है, इसकी सबसे खास बात है। तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है और बस इसका मेरे को डिसएडवांटेज एक ही लगा है कि आप देखो वायर बहुत छोटा दिया है इसमें साथ में, मतलब इसको आपको होल्डर के पिन के पास ही रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छोटा वायर है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर में ये ऐसे दो चीज़ें आती हैं, एक आपको बकेट आएगी, ये बकेट मेन बकेट रहेगी, मेन बकेट के अंदर ये छोटी बकेट रहेगी, आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी बाकी भी है, मैंने अच्छे से इसको धो नहीं पाया था ना, तो ये दो एक रहेगी। तो आपको बेसिकली क्या करना रहता है कि आपको इसके अंदर कॉफ़ी डाल देना रहता है, एक दो चम्मच आप जो भी कॉफ़ी इसमें डालोगे और आपको इसमें फिट करना रहता है। तो मैं जो गलती मैं ये कर रहा था कि मैंने डायरेक्ट कॉफ़ी इसमें डाल रहा था, एक्चुअल में डायरेक्ट कॉफ़ी यही डालना चाहिए क्योंकि फिल्टर एक टाइप का आप देखोगे, लेकिन क्या हो रहा है इसमें सही कॉफ़ी बनती नहीं है अगर आप डायरेक्ट जाते हो। तो मैंने एक ट्रिक यूज़ किया, मैं क्या करता हूँ, मैं एक कपड़ा यूज़ करता हूँ, ये एक्चुअली हैंडकरचीफ का कपड़ा है, मतलब अनयूज्ड हैंडकरचीफ, ओके, उसको धो के मैंने ऐसे राउंड शेप में इसको ऐसे काटा और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ऐसे लगा देता हूँ, इसके अंदर से लगाता हूँ और इसके अंदर मैं कॉफ़ी डालता हूँ और फिर मैं उसको फिल्टर करता हूँ, उसको बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब जो एरोमा है वो भी आएगा उसका और जो एक्चुअल में कॉफ़ी का टेस्ट है, फिल्टर कॉफ़ी का टेस्ट है वो भी आएगा। इसके बहुत सारे हेपा फिल्टर्स और बहुत सारे फिल्टर्स अमेजोन पे भी ऑनलाइन मिलते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, 300-400 रुपये के मिलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कहाँ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैं तो कपड़ा यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको और प्रोफेशनल जाना है तो आप वो फिल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल कपड़े से मेरा काम हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको डबल कर दूँ, डबल थिकनेस कर दूँ इसका, जितना थिकनेस रहेगा उतना अच्छे से फिल्टर होगा, देर तक फिल्टर होना चाहिए ना, इसमें क्या है चालू करते से ही ना पूरा कॉफ़ी नीचे आ जाती है जल्दी से, तो ऐसा लगता है यार बनी भी नहीं, क्या पता है बनी के भी। तो इसको कपड़े को ऐसे डाल के अंदर डाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम बस इसका ये हो रहा है, जैसे आप अभी इसको बाहर निकाल लेते हो ना तो जब आप इसको वापस लगाते हो ना तो थोड़ा लगता नहीं है जल्दी से, इसको आपको ना बहुत अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है, वापस फ्री लगेगा ये। तो देखो जैसे ये ऐसे रह जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार ये कहाँ से फिट नहीं हुआ है, फिर अच्छे से फिर ऐसे वापस लग जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इसके अंदर कॉफ़ी भर देना है, यहाँ से पानी रहेगा, आपको पानी लेना है सबसे पहली बात। तो जैसे कि मैं एक कप कॉफ़ी पीने वाला हूँ तो उसके लिए मैं देखो कितना पानी लेता हूँ, बहुत कम पानी लेता हूँ। तो वो पानी को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एम्प्टी स्पेस दिखेगी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है, ये स्पेस में आपको पानी डाल देना रहता है, जैसे आपने पानी डाला और आपको इसमें इधर यहाँ पे नीचे फिट कर देना है जहाँ पे ये है। और जो कॉफ़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, ये है अरेबिका कॉफ़ी, आप देख सकते हो अरेबिका कैफ़े कॉफ़ी डे जो कंपनी है उसका मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो बहुत बढ़िया है। इससे पहले भी मैं वो साउथ इंडियन का इस मेटल का कॉफ़ी मेकर यूज़ करता था, तो उसमें भी मैं यही कॉफ़ी यूज़ कर सकता था, पहले पैकेजिंग अलग देते थे ये लोग, अब इन्होंने पैकेजिंग अलग कर दिया है। तो आप मेक श्योर कि जब आप अच्छी कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो तो आप 100% अरेबिका वाली यूज़ करो, ये देखो इसमें लिखा हुआ है 100% अरेबिका कॉफ़ी, तो ये एक टाइप की भुनी हुई कॉफ़ी रहती है, मतलब रोस्टेड कॉफ़ी रहती है, तो सबसे बेस्ट रहती है, इसका फ्लेवर और अरोमा सब बहुत बेस्ट आता है। तो आप मेक श्योर करना कि आप यही लोग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैंने दूसरे कॉफ़ी भी ट्राई किया है, कुछ खास टेस्ट नहीं लगा मेरे को, ये इसका बहुत बेस्ट लगा है, स्टारबक्स की है लेकिन बहुत महंगी है, 1000 रुपये का आपको इतना सा पैकेट आएगा, तो उतना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो अगर आपका बजट कम है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, 400 रुपये में 2 पैकेट आ जाते हैं और समझो आधा किलो आ जाती है, समझो 200 ग्राम है ये आपको 400 ग्राम
ऑलमोस्ट 400 रुपए में आ जाएगी, ऐसा समझो, एक पर 1 रुपया पर ग्राम आपको पड़ेगी, बहुत बढ़िया है। लेकिन तो मैं यही यूज कर रहा हूँ अभी तक के। और बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपके कप में दूध ले लेना है, थोड़ा सा कप को अलग रखना है आपको, इसको मिक्स नहीं करना है। नहीं तो आप क्या करोगे, दूध वगैरह इसमें डाल दोगे तो ये जल जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये भी हॉट स्पेस है, ये भी गर्म होते रहता है, मतलब आपने कॉफ़ी वैसे छोड़ दिया तो गर्म होता रहेगा ये कंटिन्यू। तो यहाँ हाथ मत लगाना आप, गलती से हाथ लगाओ तो हाथ जल जाएगा आपका, बहुत डेंजर है ये, एक तरह तवा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें लगा लिया, और मैं क्या करूँगा, तो अपना वो तो इंडियन स्टाइल है कि कोई भी जो खाली डब्बा मिला उसमें कॉफ़ी भर देते हैं, तो इसका स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इतना मैं यूज़ करता हूँ एक कप बनाने के लिए, कभी कभी इससे ज़्यादा भी यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, मेरे को ज़्यादा देर तक काम करना है और मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए, तो मैं डबल कर लेता हूँ इसको। यूजुअली मैं इसको एक चम्मच इतना यूज़ करता हूँ। मैं ये कपड़ा जो मैंने लगाया है ना, तो मैंने ये कपड़े में इसको डाल दिया है एक चम्मच। ओके, मैंने आपको जैसा डिसएडवांटेज बताया, वायर ही बहुत छोटा है इसका, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट है, तो जैसे आप इसको ऑन करते हो रेड लाइट शुरू हो जाता है इसका। इसका वायर इतना छोटा है कि डेमो करने के लिए भी स्टूल रखना पड़ रहा है, सोफे के ऊपर स्टूल रखना पड़ रहा है, स्टूल के ऊपर ही रखना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने ऑन किया तो मैंने ये बटन चालू कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट हो गया, पता नहीं आप देख सकते हो काफ़ी हल्का है ये वेट में, तो देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट चालू हो गया है। और ये थोड़ी देर में आवाज़ करके ना, थोड़ी देर 1 मिनट आवाज़ करेगा या 1 मिनट के बाद ना उसमें से कॉफ़ी गिरना चालू हो जाएंगी और ये बन जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आवाज़ आना चालू हो गई है, और देखना कॉफ़ी नीचे जमा होना शुरू हो गई है, कॉफ़ी स्लो स्लो स्लो, पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन कॉफ़ी स्लो स्लो जमा हो जाती है नीचे। ये बेसिकली क्या करता है कि यहाँ से भाप बनता है, मतलब पानी इसके अंदर हमने जमा किया ना, तो यहाँ से भाप बन के ना इसके अंदर गिरता है, तो स्लो 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 पानी गिराता है ताकि अच्छे से कॉफ़ी को फिल्टर कर सके। तो जैसे आप देख सकते हो अपनी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, इसमें मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आवाज़ वगैरह सबको समझ में आ जाएगा कि भाई कॉफ़ी अंदर तैयार हो चुकी है, मतलब ये साइलेंट हो जाता है। और यहाँ से आपको एरोमा, मतलब यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, यहाँ से भाप आना शुरू हो जाएगी अंदर और आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी कॉफ़ी की, जैसे कि स्टारबक्स की कैफे कॉफ़ी डे के स्टोर में आती है। तो इसमें आप देख सकते हो कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, इसमें से आपको सिंपली निकालना है। आप देख सकते हो बहुत कम मैंने क्वांटिटी लिया था, और ये क्वांटिटी आप देख सकते हो इसमें बन चुकी है। तो आपको लेना है हॉट मिल्क, थोड़ा सा मिल्क लेना है, कप के अंदर ही लेना मिल्क, इसमें मत लेना, इसमें सिर्फ आपकी, इसमें आप ऐसे डाल मत देना इसके अंदर, क्योंकि फिर आपको ना ये स्मेल आ जाएगी इसमें, तो आपको ये सेपरेट ही रखना है। तो सिंपली आपको इसमें पोर कर देना है, इसको आप वापस लगा दोगे तो आप देख सकते हो कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है। इसमें आपके हिसाब से इसमें चीनी वगैरह आपको डाल देना है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मैं बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करके बहुत कॉन्सेंट्रेट बहुत पीता हूँ मैं, तो जिसके वजह से ये मेरे को बेस्ट रहती है मेरे लिए। एक महीने का तो एक्सपीरियंस इसका काफ़ी कमाल का रहा है, अभी तक के कोई प्रॉब्लम नहीं गई है। इसका मटेरियल वगैरह भी अच्छा खासा ड्यूरेबल है। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा आपको कॉफ़ी बनाना हो गया तो फिर आपको इसको धोना पड़ेगा, ये तो जो कपड़ा है आपको, ये कपड़ा को पत्ती जैसा है ना, ये कॉफ़ी घुल नहीं जाएंगी इसमें, तो ये फिर आपको कपड़े को साफ करके धो के पूरा अच्छे से धो के आपको रखना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा कॉफ़ी पीना, अच्छी कॉफ़ी पीना है। तो ये था इसका रिव्यू, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें 2 वेरिएंट है, 31 और 32, आपने भी देखा होगा इस पर, तो मैंने तो 31 वाला मंगाया है, तो पता नहीं दोनों में मेरे को डिफरेंस वॉट का ही डिफरेंस है बस, बाकी कॉफ़ी तो सेम ही बनती होगी। इसकी आपको कैपेसिटी बता दूँ तो इसमें इन्होंने बताया कि मैक्स टू मैक्स 7 कप्स बन सकते हैं 7 लोगों का, लेकिन क्या है आप उससे भी ज़्यादा बना सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर दो उसको और 15-20 कप भी बना सकते हो। तो ये था इसका रिव्यू, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस मैंने जो रिसर्च किया था, मैंने देखा था बहुत सारे कॉफ़ी मेकर के ऑप्शंस, तो वो भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।